सिद्ध कीजिए। वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके पहले हम तीन सर्वसमीका पढ़ चुके हैं, उन सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर है वन प्लस, यहाँ पर है वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन, चूँकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा होता है और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर हम ये मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि वन अपॉन सेक थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है और वन अपॉन कोसेक थीटा ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मान रख देंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये पहली सर्वसमीका से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, इस वजह से हम इसे वन लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा। इस प्रश्न में भी हमें सिद्ध करना है, ये है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, इस पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा यह दिया गया है और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं और वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा या टेन थीटा या टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो हम लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा या फिर ये इक्वल टू होगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्न में भी हमें सिद्ध करना है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये दोनों सर्वसमीकाओं को आपको लिखना होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड तक भी पहुंच सकते हैं और राइट से लेकर के लेफ्ट हैंड साइड तक भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, कॉट थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस वन। चूँकि आपको पता है कि कॉट थीटा को हम वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, तो ये आगे हमें मिल जाएगा वन अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू। देखिए यहाँ पर एलसीएम या लघुतम से यहाँ पर टेन थीटा आएगा और अंश में आपको मिलेगा वन प्लस टेन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको लघुतम से यहाँ पर
टेन थीटा मिलेगा, और आप लिख पाएंगे वन माइनस टेन थीटा। टेन थीटा दोनों के हर पे है, तो इसे हल करने पर आपको मिल जाएगा वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। राइट हैंड साइड को लेकर के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस वन। इस प्रश्न में भी हमें सिद्ध करना है कि कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस वन ये टू सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस वन ये दिया गया है। लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम निकालें तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस वन और कोसेक ए प्लस वन। फिर इस पद का गुणा इसके साथ, तो आप लिखेंगे कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन। फिर ये जो कोसेक ए है इसका गुणा इस कोसेक ए माइनस वन के साथ होगा। आगे हल करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। कोसेक ए इंटू कोसेक ए आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए इंटू वन कोसेक ए प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन इंटू कोसेक ए लिखेंगे कोसेक ए। देखिए माइनस कोसेक ए प्लस कोसेक ए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा टू टाइम्स कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन है, चूँकि आपको पता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए है, इसे आप वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा टू अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए ये होता है वन अपॉन कॉस ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस वन इक्वल टू टू सेक स्क्वायर ए होगा। तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए इक्वल टू सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन। तो इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, ये जो टेन और कॉट है इसे आप साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करके सरल कर सकते हैं, या फिर सीधे इनको हल करते जाएंगे और सर्व समीकरणों का उपयोग करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर है टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए। तो टेन ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन ए, चूँकि कॉट ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए। चलिए पुट कर देते हैं टेन ए, और ये वन माइनस वन अपॉन टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए, और ये वन अपॉन वन माइनस टेन ए। अंश में यहाँ पर तो टेन ए ही रहेगा, यहाँ पर इसके हर के लिए जो एलसीएम आएगा वो आएगा टेन ए, यहाँ पर टेन ए माइनस वन प्लस
वन अपॉन टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, ये टेन ए अंश में चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन माइनस प्लस वन अपॉन टेन ए, ये जो टेन ए वो नीचे आ जाएगा और वन माइनस टेन ए यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये टेन ए माइनस वन है और यहाँ पर वन माइनस टेन ए है, यहाँ पर इसको टेन ए माइनस वन लिखने के लिए हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन और ये माइनस वन अपॉन टेन टेन ए माइनस वन। तो अब इन दोनों पदों का हम एलसीएम अगर लें तो हमें मिल जाएगा टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन, टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन। अब इस पूरे पद को इससे भाग देंगे तो आपको मिलेगा टेन ए और इस टेन ए से इसको गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन क्यूब ए। ये कैसे करते हैं पिछली कक्षाओं में आप सीख चुके हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस वन। अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे है, तो चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, उसका इस्तेमाल करके इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा टेन ए माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस प्लस टेन ए, देखिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर वन का स्क्वायर वन देन ए बी वन इंटू टेन ए दैट इज टेन ए अपॉन ये टेन ए और टेन ए माइनस वन। तो ये टेन ए माइनस वन और ये टेन ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन ए अपॉन टेन ए। और चूंकि आपको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये वन और ये टेन स्क्वायर ए इसे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, फिर ये प्लस टेन ए है और ये अपॉन टेन ए। अब इन दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन टेन ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए, तो टेन ए प्लस टेन ए ये हमें मिल जाएगा वन, और सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये जो टेन ए है ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस ए है, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन कॉस ए और ये नीचे में है आपका साइन ए प्लस वन, वन अपॉन कॉस ए आप लिख पाएंगे सेक ए और वन अपॉन साइन ए आप लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस वन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम पहुंच चुके राइट हैंड साइड पर जहां पर हमें मिला है सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए इक्वल टू सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन। अब हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि ये जो टेन ए है इसे हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे और ये जो कॉट ए है इसे हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करके इसे हम आगे सरल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, ये वन माइनस कॉट ए इसे मैं लिख रहा हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए और फिर प्लस कॉट ए वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए को अब लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा साइन ए और यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, इसी तरीके से कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस ए और यहाँ पर मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए। इसे हल करते हैं तो पहले आपको लिखना होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर ये साइन ए माइनस कॉस ए ये तो यहीं पर रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए और ये जो साइन ए है वो अंश में चला जाएगा, फिर प्लस इसी तरीके से ये कॉस ए और ये साइन ए और फिर ये कॉस ए माइनस साइन ए
कॉस ए माइनस साइन ए, और ये जो कॉस ए है वो अंश में चला जाएगा, तो आप लिखेंगे इसको कॉस ए। अब यहाँ पर साइन ए और साइन ए को गुणा करेंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर ये साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इसको इस रूप में लिखने के लिए हम माइनस को कॉमन निकाल देंगे और ये कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और आप लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। इसे आगे हल करने के लिए दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर आगे पदों को हल करेंगे, तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम आएगा ये होगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। इस पूरे पद को इससे भाग देंगे, साइन ए बचेगा, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा साइन क्यूब ए माइनस, ये जो पूरा पद है उसको इससे भाग देंगे तो आपको मिलेगा कॉस ए, और कॉस ए को इस कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस क्यूब ए। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम अंश को लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन ये है साइन ए कॉस ए, और फिर साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये वन होगा, तो हम लिखेंगे वन प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इक्वल टू वन होता है। अब दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे वन अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, हम इसे वन लिख सकते हैं, तो वन अपॉन साइन ए कॉस ए के, और वन अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस वन, या फिर आप लिख सकते हैं सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में सिद्ध करना है कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ये है कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी। एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों का गुणनफल मिलेगा हमें साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। अब देखिए इस पूरे पद को इससे भाग देंगे तो आपको मिलेगा कॉस ए माइनस कॉस बी, और इसको अब इससे गुणा करेंगे तो आप लिख पाएंगे कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस। अब ये पूरे पद को इससे भाग देंगे तो आएगा साइन ए माइनस साइन बी, और इसका गुणा आप इससे करेंगे तो आप लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर ये जो साइन ए माइनस साइन बी है इन दोनों पदों को इसी तरीके से रहने दीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये वन होगा, और कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी ये भी वन होगा, लेकिन ये ऋण चिन्ह के साथ में है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन लिखेंगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ये जो राशि है साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। चूँकि ये वन होता है और ये वन होता है, वन माइनस वन ज़ीरो होगा, ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो होगा। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, वन माइनस वन अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी ज़ीरो, अंश में ज़ीरो मिल जाएगा, ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में सिद्ध करना है साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू कोसेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। तो इसे सरल करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, ये मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इस पूरे पद को इससे भाग देंगे, आपको मिलेगा वन माइनस कॉस थीटा और उसका गुणा करेंगे आप साइन थीटा के साथ। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा और फिर इस पूरे पद को इससे भाग देंगे, मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा को आप साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा और फिर साइन थीटा कॉस थीटा गुणा करने पर। और ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे है, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा और साइन थीटा दो बार है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं टू साइन थीटा। और ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया है। साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इसे सरल करेंगे, मिलेगा टू अपॉन साइन थीटा और वन अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। तो हमें मिल गया टू कोसेक थीटा और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में भी हमें सिद्ध करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, जहाँ पर दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसे सरल करने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए हर के संयुग्मि के साथ गुणावा भाग करते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये तो दिया गया था और हम गुणा करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। तो देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दो पद दो बार हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब अंश का प्रसार कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिख सकते हैं। तो इसका उपयोग हम यहाँ पे करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम वन लिख रहे हैं। देखिए इस पूरे समीकरण में आपको सेक स्क्वायर थीटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये टू सेक थीटा तक तो हम पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये इस पर नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये, और ये माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा, तो इसे आप लिखेंगे वन प्लस टू टेन थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा, या फिर वन माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टू टेन थीटा, और ये राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में सिद्ध करना है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका जो स्क्वायर है ये वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें से किसी भी एक पद को लेकर के आप शेष दो पदों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मध्य पद ले रहा हूँ, यहाँ से वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। इसे हल करने के लिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो इसके लिए हमें मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अंश में दोनों पद समान हैं, तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंश में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वन प्लस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो दोनों में स्क्वायर है दोनों पदों में, तो आप लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका स्क्वायर, और इसे समीकरण एक नाम देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल रहा है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम ये वाला पद ले रहे हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये दोनों का स्क्वायर है। दोनों का जो एलसीएम है ये साइन थीटा है, और अंश में आ जाएगा आपको वन प्लस कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है। तो देखिए समीकरण एक और दो से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से कि वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये सिद्ध हुआ। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इक्वल टू होगा वन प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। पूर्व प्रश्न की भांति लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, जहां पर दिया गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। परिमेयकरण करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दोनों का एलसीएम आ जाएगा, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अंश में दोनों पद सेम है, उसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्ग, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अंश को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन, देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यहाँ पर ये इक्वल टू वन हो जाएगा।
देखिए राइट हैंड साइड में पहुंचने के लिए हमने 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा ले आया है, और यहाँ पर 2 कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा दो बार है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड तक पहुँच चुके हैं।